ये तस्वीर बीजेपी जेडीएस की मैसूर चलो पदयात्रा की है। निशाने पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, जिनसे मुडा के कथित प्लॉट घोटाले के आरोप पर बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, यानी मामला भ्रष्टाचार का है। आफ्टर द कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर इन कर्नाटका, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के आने के पहले दिन से ही कांग्रेस ने लोगों से अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर पैसे वसूलना शुरू कर दिया है। उन्होंने आम लोगों और अधिकारियों दोनों से पैसे वसूले। कलेक्ट फ्रॉम द कॉमन मैन आल्सो, ऑफिशियल्स आल्सो। व्हाई डू यू थिंक सर दैट हाउ सीएम इज कनेक्टेड विद मुडा स्कैम? दिस इज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व। इनके कई परिवार के सदस्य इसमें शामिल हैं। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर गलत तरीके से जमीन ट्रांसफर की, कॉरपोरेशन में घोटाला किया है, ये खुद बांध लिया है, दूसरा अभी मुडा में खुद साइट लिया है। गवर्नर ने शोकास नोटिस दिया, उसको भी डराने का काम अभी सरकार कर रहे हैं, क्योंकि डीके शिवकुमार का नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग बुला के गवर्नर को डराने का काम कर रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर कांग्रेस के जन आंदोलन की है, जिसका मकसद बीजेपी और जेडीएस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करना। हम बीजेपी के घोटालों को उजागर करेंगे, उन्होंने जो किया वो हम जनता को बताएंगे। पदयात्रा के लिए फिलहाल कोई वजह नहीं थी। यानी बीजेपी जेडीएस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के साथ सड़क पर उतर आए हैं। दोनों खेमे मैसूर जा रहे हैं। बीजेपी की पदयात्रा जिन मुख्य शहरों से गुजरेगी, वहां एक दिन पहले कांग्रेस नुक्कड़ सभा कर बीजेपी जेडीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी, और अगले दिन उसी शहर में दोनों कांग्रेस पर पलटवार करेंगे। बेंगलुरु से मैसूर की 140 किलोमीटर की दूरी दोनों खेमे 8 दिनों में पूरी करेंगे। सभी पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। कोई जन आंदोलन कर रहा है तो किसी ने पदयात्रा निकाली है। जनता परेशान है कि किसे ईमानदार समझे और किसे भ्रष्टाचारी। बाहरी बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।